सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संसद सत्र के दौरान ये लाइनें कही थी और ये स्पीच काफी वायरल रहती है। और अब उन्हीं की जीवनी पर एक फिल्म आई है, मैं अटल हूँ। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और मेरे साथ हैं यमन। और यमन, मैं अटल हूँ देखकर आ गए हैं। रवि यादव ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। यमन, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि अटल जी के ना बोलने का एक तरीका था, उस किरदार को, उस चरित्र को कितना पकड़ा है पंकज त्रिपाठी ने। वो मुझे जब मैं फिल्म देख रहा था और दिल्ली की ठंड में फिल्म देखी है, बहुत ठंड है दिल्ली में, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से बता जाएगा तो जी, तो फिल्म को जब मैं शुरुआत में देख रहा था ना, तो पंकज त्रिपाठी क्या कर रहे थे, पॉज ले रहे थे काफ़ी ज़्यादा, कि वो एक लाइन बोलते और फिर बाद में कुछ शब्दों में पॉज ले गए, और मैं एक पॉइंट पर आ गया कि यार क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर जिस स्पीच का आपने जिक्र किया वो सीन आया, और वो क्योंकि वो वीडियो ऐसा है कि हमें ज़्यादातर लोगों ने देखा है वो, कि सरकारें आएंगी जाएंगी वाला। अब वो स्पीच इतना पिच परफेक्ट था ना उनका उस सीन में हिसाब की, मतलब आप साथ में चला सकते हो दोनों को, उतना उन्होंने वो मैनरिज्म पकड़ा है। अब वहाँ मुझे फिर आइडिया लग गया कि जो पॉज लेने की अटल जी की वो थी, का लहजा था कि बात के बीच में वो इस तरह से खींचते थे, पॉज लेते थे, वो करते थे, उसको पकड़ा है उन्होंने पंकज त्रिपाठी ने, और खुद का भी वो बनाए रखा है, ऐसा कैरिकेचरिस्ट नहीं बनने दिया। हाँ, मतलब मैं टोक रही हूँ सॉरी, लेकिन जब हम देख रहे थे ना ट्रेलर, तो भी ये लग रहा था कि उन्होंने उस लहजे को तो पकड़ा है, वो आवाज़ कॉपी करने की कोशिश नहीं की। मतलब अगर आप सुनोगे तो आप आवाज़ से ये पहचान लोगे कि पंकज त्रिपाठी ही बात कर रहे हैं जो अटल जी बन के बात कर रहे हैं। तो क्या मैंने सही पकड़ा है? हाँ, मतलब वो उन्होंने सही रखा है इस मामले में। और लेकिन मुझे एक एक्टर से वो थी, एक एक्टर से काफ़ी लोगों से इस फिल्म में, कि राम रमेश कुमार सेवक जी का हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रोल किया है, उनका किरदार वो इतना ज़्यादा एक्सेंट लाने की कोशिश करते हैं या ड्रामेटाइज करने की कोशिश करते हैं आवाज़ को, वो एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि आपको सुन के लगेगा बिलीवेबल नहीं है, कि ये नहीं लग रहा है असली, कि आप प्रिटेंड करने वाला हिसाब आ जा रहा है, वो एक लाइन रह जाती है किरदार और एक्टर के बीच की, वो लाइन ख़त्म हो जाती है। तो हाँ, ये उनसे मुझे ये मसला हुआ फिल्म देखते हुए। और भी फिल्म में चीज़ें थी कई कि ड्रामेटाइजेशन ऐड करने की कोशिश की। अच्छा, मतलब हम जब रवि यादव की बात करते हैं तो मतलब उनकी कई मराठी फिल्में मैंने देखी हैं, बालक पालक, न्यूड है उनकी। हाँ, न्यूड है उनकी। तो ये सारी मराठी फिल्म हम जब देखते हैं तो मैं उनके काम की बहुत बड़ी मुरीद हूँ, मुझे मज़ा आता है उनकी फिल्में देखने में, भले ही मुझे सबटाइटल के साथ ना मिले फिल्में, तो भी मैं वो मराठी फिल्म समझने की कोशिश करती हूँ। इस फिल्म में 70s का दौर दिखाया जाने की कोशिश की होगी, 70s के दौर में पहुंचाने की कोशिश की होगी, किस तरीके से वो कर पाए हैं उस डायरेक्शन में। तो मैं उनकी फिल्म की कहानी पे भी और उनके डायरेक्शन पे भी दोनों पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ऋषि वर्मानी के साथ मिलकर फिल्म लिखी भी है रवि यादव ने। तो ये कहानी तो आज़ादी से पहले के भारत में खुलती है, और हम बचपन के अटल से मिलते हैं, फिर वो बड़े हो गए हैं, RSS का उन पर क्या इन्फ्लुएंस रहा, देश की आज़ादी, और ये सारे मूवमेंट हम देखते हैं। 1962 की जंग हो गई, 65 की जंग हो गई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन सबसे मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है। लेकिन फिल्म के साथ मसला मेजर ये रहा है ना कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो किस गेज से देखना चाहती है उनको, कि एक तरफ तो आप उनको ह्यूमनाइज करना चाहते हैं कि ये इंसान की पर्सनल लाइफ भी दिखा दें हम, ताकि देखने वाले को लगे कि ये जिस तरह, क्योंकि हमारा जो उनसे परिचय हुआ है वो यही हुआ है कि वो इतिहास के इतने बड़े नेता थे और इतनी बड़ी शख्सियत थे, हाँ, कवि, स्टेट्समैन, जो कि बोला भी है इतना उसमें प्रोमो में। तो उन्होंने क्या किया है कि पर्सनल लाइफ को भी ठीक से जगह नहीं दे पाए, और इसमें भी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसको भी ठीक से बैलेंस नहीं कर पाए। एक मिसाल देता हूँ आपको कि उनका परिवार दिखाया है कि अटल का, और जो उनके फादर बने हैं पीयूष मिश्रा, एक जगह दिखाते हैं कि वो अपने बेटे को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, तो वो उसके कॉलेज में खुद एनरोल कर लेते हैं, और वहाँ दिखाया कि भाई बाप बेटे नहीं, तू हम दोस्त बन के रहते हैं, ठीक है ये चला, फिर वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, कुछ साल कहानियाँ आगे बढ़ती है, लेकिन उनके परिवार का फिर कोई जिक्र ही नहीं मिलता। वो बस इतना कहते हैं मैं अकेला हूँ जीवन में, मतलब लोग नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कुछ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या रहा, उनसे कैसे संबंध, कुछ भी छुआ ही नहीं, वो एक वो लूज थ्रेड की तरह छोड़ देते हैं उस चीज़ को। अब पॉलिटिक्स वाले मसले में मेरी ये शिकायत थी कि बहुत कट टू कट चलती है, कि एक तो नेगेशन आता है फिल्म में, अब वो नेगेट कौन कर रहा है ये, इसका आइडिया हमको नहीं मिलता, क्योंकि किसी की भी कहानी चल रही है, हम दोनों की कोई कहानी चल रही है, और उसको मान लो मैं अगर नेगेट कर रहा हूँ बैकग्राउंड से, तो वो मैं अपने नज़रिए से देखूंगा, तो ये पता नहीं चलता कि उस कहानी को सुनाने वाला कौन है और वो किस तरह से अटल जी को देख रहा है। तो वो एक गेज की मुझे समस्या आई कि भाई किस तरफ जाने की कोशिश कर रही थी फिल्म।
और पर्सनल वाले भी फेल हुई, और पॉलिटिक्स में ये मसला था कि सब जल्दी जल्दी चला और सब सारे मेजर, उनका ये था कि सारे मेजर इवेंट्स कवर कर लो, जैसे सैम बहादुर के केस में हुआ था, हाँ, थक, 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 सब कवर करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ कवर नहीं कर पाए, वो किससे बन जा के रह जाता है, उससे फिर अच्छा लगता है कि उससे अच्छा आप तारीख या किससे के एपिसोड देख लो टैलेंट टॉप में, तो वैसा सा हो जाता है कि आप इमोशनल डेप्थ नहीं रह जाती है ना उस सीन की, कि हाँ ठीक है किससे मिले आप, और उन्होंने कहा कि अरे मैं इस इंसान को बहुत मानता हूँ और दो दिन बाद इंसान मर गया, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा, क्या नहीं रहा, क्या उससे जुड़ाव है, उनको उन पर फोकस नहीं किया, तो जब आप फील ही नहीं करोगे किरदार के लिए अपने, तो कहाँ से वो इमोशन आएगा, उस मामले में चीज़ फिल्म चुकी है। इमरजेंसी का दौर, उस पर बात करनी जरूरी थी, इमरजेंसी का दौर जो विपक्ष के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों के लिए बहुत वो था, मुश्किल वाला दौर था, इन लोगों को जेल में डाल दिया था, उस पर भी फिल्म मैं बहुत, उससे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। अच्छा, उस पर भी बात, उस पर भी ऐसे मतलब एक वॉइस ओवर या उसमें मोन्टाज में कट कट करके निकाल दिया, मतलब छू के निकल गए, और उसके बाद वो उन्होंने ज्यादा फोकस किया बात की पॉलिटिक्स पे, राम मंदिर पे और इस सब पे, तो उस पर तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, आज के माहौल में सेट है फिल्म तो फिर 2+2 हो जाता है, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये कि किसी फिल्म में कोई पॉलिटिक्स हो सब है ठीक है चलता रहे, पॉलिटिक्स चलती आती जाती रहेंगी लेकिन फिल्म की क्राफ्ट रहनी चाहिए, वो वाली बात है। तो और तुम्हारे हिसाब से फिल्म की क्राफ्ट रही है या नहीं? फिल्म की क्राफ्ट राइटिंग के लिहाज से तो नहीं, राइटिंग ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है, कि बस वो ऐसा लग रहा था कि कुछ किस्सों को जोड़ जोड़ के कट टू कट चलाने में लगे हुए, जहाँ वॉइस ओवर से निकाल दिया, जहाँ उससे निकाल दिया, किरदारों पर काम नहीं किया गया, और एक ही उससे देखा है, आइदर इट्स ब्लैक और वाइट। आप जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं तो एक नज़र से, आप इंदिरा गांधी को देखते हैं जिस पीरियड में इंदिरा गांधी को दिखाया गया है वो एक नज़र से, अटल बिहारी वाजपेयी को देखते हैं वो एक नज़र से, तो वो जैसे एक फिल्म मुझे याद आती है जो हाल फिलहाल की अच्छी बायोपिक्स बनी है हिंदी सिनेमा में, उसमें से एक भाग मिल्खा भाग है, उसके साथ ये केस नहीं था, वो इसलिए मुझे बार बार मैं उसको याद करता रहता हूँ जितनी बायोपिक्स आती हैं, क्योंकि वो आप उसको देखने के बाद में लिख सकते हो कि एक पन्ना आराम से लिख सकते हो कि मिल्खा सिंह ऐसे इंसान थे, ये उनकी लाइफ में अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट गए, ये उन्होंने अचीव किया ये नहीं किया, और उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं दिखाई उस फिल्म में, हर एक रेस थोड़ी कवर की, लेकिन उन्होंने दिखाया कि क्या इस आदमी की कमजोरी गई, कैसे वो उसे उठे, जैसे वो इंसान आज बने मिल्खा सिंह, उसके पीछे उनका क्या ट्रॉमेटिक बचपन था, पाकिस्तान वाला हिस्सा दिखाया, बचपन का दोस्त दिखाया, मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जाऊँगा उसके पीछे की वजह को एक्सप्लोर किया, सब कुछ किया, यहाँ वो चीज़ नहीं, यहाँ बस एक शेड में चलता है सारा मामला, या तो वाइट या ब्लैक, जो कि मुझे लगता है कि असली जिंदगी है ऐसी। और म्यूजिक वगैरह पे अगर हम बात करें तो म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक वगैरह भी ठीक है, इतना ऐसा नहीं है कि आप हॉल से बाहर निकलने के बाद आपको ऐसा कुछ याद रहेगा, रिमार्केबल किस्म का नहीं है, लेकिन मुझे इसकी सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग पे थोड़ी सी बात करनी है। इसके जो DOP है वो लॉरेंस डी कुना है और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, और कुछ फ्रेम्स थे जो थे मतलब स्टैब्लिश कर देते हैं उस शॉट को कि भाई क्या होने की कोशिश किया जा रही है, तो सिलोएट हों, और वहाँ पे आपके वो ऐसी बात नहीं कि वो नई टेक्निक है कोई, लेकिन सीन को एलिवेट कर देता है कि क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी सीन में दिखा रहे हो कि एक सीन पर्टिकुलरली मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा है जिसको आप ललन टॉप की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, कि जब ये पहली बार इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया और ये जाते हैं संसद में चुनाव जीत के, और अंधेरा है ठीक है, और ये एकदम उस बच्चे की तरह हैं कि विस्मय से देख रहे हैं हर तरफ कि भाई मतलब यहाँ मैं मुझे यकीन नहीं हुआ कि आई अराइव्ड, और देख रहे हैं, और फिर बाद में बैठते हैं अपनी सीट पे, अंधेरा है और एक रोशनी सी आती हुई दिखती है उस शॉट में, आपको बैठते हैं आंख बंद करते हैं कि, और फिर जैसे आंख खुलती है 2 सेकंड के बाद आंख खुलती है और देखते हैं कि हो अल्लाह मच रहा है, वो बहस चल रही है, सेशन चल रहा है और सब लोग आ गए उसके आसपास, एक इतनी सी चीज़ से उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो इंसान इस चीज़ को लेकर इतना एम्बिशियस था, वो उसको पहली बार देखते ऐसे ट्रांस में चला गया, तो वो मुझे चीज़ सीख लगी, जैसे वो स्कूल का पहला दिन नहीं होता कोई बच्चा एक्साइटेड हो और क्लास से पहले पहुंच जाए, क्लास की सारी लाइट्स ही स्विच ऑन कर रहा है वैसा टाइप, तो ये वैसा कुछ था। तो हाँ, सिनेमेटोग्राफी सही है फिल्म की, और लेकिन ऑल इन ऑल राइटिंग ही जब आपको कर देती है ना डिसअपॉइंट, तो फिर बाकी चीज़ें बच नहीं जाती, मतलब आप सिर्फ इन, ये तो वो वाले पॉइंट है कि इनके बेसिस पे फिल्म बेहतर होती है, लेकिन वो खड़ी तो राइटिंग और उसके दम पे होती है ना, तो वहाँ मामला गड़बड़ाया बुरी तरह। तो अगर स्टार्स देने हो आपको? दो स्टार। हाँ, उससे तो मैं नहीं दे सकता, कितना भी मॉडेस्ट हो जाऊँ चाहे कितना भी, लेकिन 2 से आगे। आप भी देखिए जाकर के फिल्म, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।